हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप हैरान होंगे, अरे यार ये सब लोग टैची लेके कहाँ जा रहे हैं और मुंबई इंटरनेशनल डॉक पे हम क्या कर रहे हैं? हाँ, यही आज का सरप्राइज़ है आप सबके लिए। आज हम आए हैं ट्राई सिटी से बाहर और पहुँच गए हैं मुंबई और मुंबई के क्रूज टर्मिनल पे। सरप्राइज्ड? यस, अभी तो बहुत सारे सरप्राइज आने हैं मेरे दोस्तों, चलिए हमारे साथ। यस, आपका गेस बिल्कुल सही है दोस्तों, हम जा रहे हैं कॉरिडेला क्रूज पे और इस क्रूज का नाम है एम्प्रेस। तो आइए हमारे साथ, हम 2 दिन बिताएंगे इस शानदार क्रूज के ऊपर और जाएंगे मुंबई से गोवा। तो आपको इस 2 दिन का सफर हमारे साथ इस क्रूज के ऊपर तय करना है, तो अपने बैग्स को कर लीजिए सैनिटाइज। तो चलिए हम चलते हैं क्रूज की ओर और आपको आज जिंदगी का एक बेहतरीन अनुभव देंगे, चलिए हमारे साथ। वाओ, ये है हमारे क्रूज की एंट्रेंस। यहाँ से आप क्रूज का ऊपर तक का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। ये कुल 9 मंजिल का क्रूज है और 10वीं मंजिल पे डेक है और हमारा रूम है 9th फ्लोर पे। तो आइए हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। ये आया हमारा रूम और हमारा रूम है बैल्कनी रूम। यहाँ से देखिए समुद्र का नज़ारा। पर दोस्तों, इस क्रूज पे सफर पूरा करने से पहले हमें कुछ ड्रिल्स लेनी पड़ती हैं, सेफ्टी ड्रिल्स। तो आइए पहले उन सेफ्टी ड्रिल्स को लेते हैं, फिर हम आपको इस क्रूज की सैर कराएंगे। सिक्योरिटी ड्रिल हो गई, हमने सीख लिया कि अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी आएंगी तो किस तरह के हीटर्स बजेंगे, उन हूटर्स के हिसाब से हमें कहां कहां सैंपल होना है। भगवान ना करे ऐसा कोई मुसीबत आए, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, दूर से समुद्र में फैले हुए शिप्स और ये है मुंबई का डॉकयार्ड। अब थोड़ी भूख भी लग चली है क्योंकि शाम होने को है, तो पहले हम करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे कोई काम दूजा। तो अपने पेट की टंकी भरने के बाद हम पहुँच गए हैं डेक के ऊपर। डेक दोस्तों वो जगह होती है जहाँ से क्रूज से अल्टीमेट नज़ारा आता है। ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल है बड़े लोगों के लिए, दूसरी तरफ बच्चों का भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। घबराइए मत, हर किसी के लिए इस क्रूज पे बेहतरीन नज़ारा है। और इस वक्त हम क्रूज की टॉप पे, आसमान बिल्कुल साफ, तिरंगा हवा में लहराता हुआ, दूर तक जहाँ तक आप नज़र फहराएंगे सिर्फ पानी और इस क्रूज के ऊपर हमारे साथ के सैलानी। ये समुद्र में चलते हुए आप रॉक क्लाइंबिंग का नज़ारा भी ले सकते हैं इस क्रूज के ऊपर। पूरे डेक की आपको सैर करवाते हैं ताकि आप बाद में कहीं गुम ना हो जाएं और आपको पता रहे कि कहां से आना है कहां से जाना। अरे ये अंकल कहां चले गए, चलो कहीं तो चले गए। ये देखिए अब हम चले हैं, ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग जगह जहाँ पर सबका दिल लगता है। यस, ये है पूल बार। यहाँ पे बियर पीजिए, वाइन पीजिए, मज़े कीजिए और ज़िंदगी का लुत्फ लीजिए। नहीं कुछ करना है तो यहाँ पे लेट के आनंद लीजिए और बच्चों को पूल में मस्ती करता हुआ देखिए और इनकी मस्ती के साथ आपको भी बहुत सारा मज़ा आएगा। ये है बच्चों की मस्ती। दोस्तों शाम ढलने को है, वो देखिए सूरज ढल रहा है, क्या बेहतरीन नज़ारा है। इसके बाद हम चलेंगे मार्क्यू थिएटर में जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक शो जो एक पंजाबी वेडिंग के ऊपर एक थीम लाइव परफॉर्मेंस है, हम आपको वो दिखाएंगे। उसकी वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बट लास्ट में एक यहाँ पर हमें फॉर्चुनेटली एक कपल की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी तो उनको भी इसका पार्ट बनाया गया था, तो वो हमें रिकॉर्ड करने की परमिशन थी, वो हमने आपके लिए की है, तो आपको वो दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ।
बहुत मज़ेदार शो था दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं, क्रूज के आपको एक और तरफ लेके चलते हैं। आगे हम चलेंगे चेयरमैन्स क्लब में, जहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। वहाँ पे भी एक बार है, आप वहाँ पर बैठे ड्रिंक्स के साथ लाइव बैंड म्यूजिक इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आपको इस चेयरमैन क्लब में लाइव म्यूजिक सुनाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कैसीनो रॉयल। वैसे कैसीनो में शूटिंग अलाउड नहीं है, बट उन्होंने हमें परमिट किया कि आप सिर्फ वो एरिया जहां पे टेबल्स लगे हैं दिखाइए, ताकि लोगों को फीलिंग आ सके कि कैसीनो कैसा होता है। दोस्तों दिन भर की मस्ती के बाद अब हम चल पड़े हैं फूड कोर्ट की तरफ। रात के लगभग 10 बजे का समय है, नहीं 8 बजे का, हाँ 10 बजे तो फूड कोर्ट बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर खाना खाएंगे। बहुत सारी वैरायटी है खाने की, वेज, नॉन वेज, इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, जैसा फूड आप खाना चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। डेजर्ट में बहुत कुछ है, स्टार्टर्स में बहुत कुछ है। तो आइए इस फूड का आप भी इंजॉय कीजिए और थोड़ा सा अपने शरीर को एनर्जी दीजिए। खाना खाने के बाद हम लोग एक बार फिर डेक पर आ गए हैं। आपको यहाँ से रात का नज़ारा दिखाएंगे और देखिए दूर तक फैला हुआ अंधेरा और समुद्र में रोशनी से नहाया हुआ हमारा ये क्रूज। और दूर देखिए आपको लाइटिंग के साथ इस क्रूज के डेक की अद्भुत छटा। तो आज का दिन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल सुबह मिलेंगे। गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही सुकून भरी रात थी और सुबह हम सनराइज के लिए उठे थे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो बारिश हो रही है। तो आज आपको एक भीगी भीगी बरसात की बूंदों के साथ थंडर लाइटनिंग का नज़ारा दिखाते हैं। ये है हमारी क्रूज पे आज की सुबह। बारिश तो हट गई है, लेकिन मौसम में अभी भी थोड़े से बादल हैं। हम आपको नीचे समुद्र दिखाते हैं, पानी में लहरें किस तरह से हिलोरे मार रही हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इसका भी अपना ही एक मज़ा है। तो दोस्तों आज हम पहुंचेंगे गोवा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद हम आपको करवाएंगे गोवा की सैर। जब तक आप इस समुद्र का नज़ारा लीजिए, हम नहा धोकर दोबारा वापस आते हैं, फिर आपको करवाएंगे गोवा की सैर। मिलते हैं गोवा में दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मुरमुगा पोर्ट पे और वेलकम टू गोवा। गोवा हिंदुस्तान में एक मस्ती भरा शहर है, जहां पर आप छोटे बड़े बूढ़े जवान सब एंजॉय करते हैं। तो ये है हमारा गोवा का पोर्ट। तो आइए इसके आसपास सैर करते हैं। हम थोड़े से लेट हैं, इसलिए हमारे पास बाहर जाने का टाइम नहीं है। सिटी यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम इसके आसपास ही घूमेंगे और थोड़ी देर के बाद अपने शिप पे वापस चले जाएंगे। दोस्तों ये है हमारी भारतीय नौसेना का शिप, जिसे तटरक्षक पोर्ट भी कहते हैं। इस तटरक्षक से ही हमारे देश की पानी की सीमाओं की रक्षा की जाती है। दूर से हम आपको इसका नज़ारा भी दिखाएंगे। ये देखिए दूर तक गोवा में फैला हुआ समुद्र, जहां तक देखिए सिर्फ पानी ही पानी है। दोस्तों हमें शिप पर वापस आकर पता चला कि आज शाम को डेक पे डिस्को में एक थीम पार्टी है, और जिसका थीम है रेट्रो।
तो हमने भी थोड़ी सी तैयारी के साथ अपने आप को रेट्रो लुक दी। तो आइए आप हमारे साथ चलिए इस पार्टी में और पूरी रात हम डांस करेंगे, मस्ती करेंगे और मजे करेंगे। दोस्तों कॉपीराइट से बचने के लिए हमने म्यूजिक को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, तो आई होप आपको ये वाला म्यूजिक भी पसंद आया। जवान क्या बच्चे सभी ने इस चीज़ों में खूब मस्ती करी और दोस्तों यकीन मानिए हमें इसमें आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो जब आप भी अगली बार इस चीज़ से आएंगे तो इस तरह की मस्ती आप भी करेंगे। दोस्तों डांस मस्ती के साथ हम करते हैं आज का दिन समाप्त, मिलेंगे कल सुबह फिर से, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह बहुत ही सुहानी है, ये देखिए आज हमें सनराइज देखने को मिल रहा है, जो हम कल नहीं एंजॉय कर पाए थे आज आपको इसका नज़ारा दिखाएंगे। समुद्र में सनराइज देखने का अपना ही एक मज़ा होता है, सूरज की लाली धीरे धीरे फैलती है और समुद्र के पानी पर जब उसकी छटा बिखरती है तो अलग ही नज़ारा होता है। हमने एक ट्राई करने की कोशिश करी कि हमारे ये दोस्त सूरज को अपने हाथ में पकड़ पाएं, इन्होंने अलग अलग तरीके से कोशिश की, आप बताइएगा कमेंट्स करके ये कितने कामयाब हुए, हमने तो अपनी कोशिश पूरी की। इस चढ़ते हुए सूरज के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने का अपना ही एक अलग नज़ारा रहा दोस्तों, तो हमें आज की सुबह बहुत अच्छी लगी। दोस्तों आज सुबह का नाश्ता करने के लिए आए हम टेक नंबर 4 पे, यहाँ पे स्टार लाइट रेस्टोरेंट है, तो आइए आपको नाश्ता करवाते हैं, देखिए हमारे साथ नाश्ते में कितनी वैरायटी है, फ्रूट्स हैं, सैंडविचेस हैं, ब्रेड्स हैं, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारी आइटम्स हैं, तो जिसका जैसा खाने का मन हो वैसा अपना इंजॉय करें और अपना सुबह का ब्रेकफास्ट हमने किया है स्टार लाइट रेस्टोरेंट में, आप भी हमारे साथ मजे लीजिए। दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया है, हम एक बार फिर से आपको समुद्र के नज़ारे दिखाएंगे क्योंकि इस वीडियो में ये लगभग लास्ट ही समुद्र का नज़ारा है, इसके बाद हम कुछ एक यादों के रूप में तस्वीरें खिंचवाएंगे और उसके बाद हमें चेकआउट भी करना है क्योंकि आज हमारा सफ़र इस क्रूज़ पे ये ख़त्म होता है और मुंबई हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये क्रूज़ का सफ़र पसंद आया होगा, अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।